शहर के दीनदयाल नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। दीनदयाल नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा रविवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु रहे, जिन्होंने मां सरस्वती की छायाचित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यक्रम को देखने के लिए स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक गण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश और सरस्वती वंदना नृत्य के साथ हुई। इसके पश्चात स्कूली बच्चों ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किया। काबूल कर दिया उसके हिमालय जैसे मस्तिष्क को, अपने चरणों में झुका दिया। सेनापति जी हुजूर, भारत के सम्राट पृथ्वीराज के क्या हाल महाराज? पृथ्वीराज चौहान अपनी हार के गम में उदास बैठा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान को दरबार में हाजिर किया जाए। नाटक के पश्चात राधा कृष्ण की लीला पर आधारित नृत्य भी प्रस्तुत किया। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देर शाम तक चला, जिसे बच्चों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान हुई बातचीत में विद्यालय व्यवस्थापक राजीव कृष्ण अग्रवाल व विद्यालय अध्यक्ष यादवेंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी। शानदार तरीके से समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये वार्षिक उत्सव हम एक वर्ष छोड़ करके हर वर्ष मनाते हैं। एक वर्ष छोड़ एक वर्ष हमारा हाथ जाता बच्चों का, अगले वर्ष हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं। ये वार्षिक उत्सव विद्यालय की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, क्रियाकलाप हैं बच्चों के, उसकी झलकियाँ विद्यालय में जो कुछ होता है विद्यालय में, उसकी झलकियाँ दिखाने के लिए हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं। बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, शारीरिक का कार्यक्रम है, बच्चों के देशभक्ति का कार्यक्रम है। तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो विद्यालय में बच्चे सीख रहे हैं, उसका समाज के सामने एक दर्पण मैं कहूँगा, उसका प्रस्तुतिकरण हम कर रहे हैं। जी, हमारी जो शिक्षा है ये प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा हमारे यहाँ विद्यालय में दी जाती है। इसको हम शिक्षा को, प्राइमरी शिक्षा को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उसका संस्कार पक्ष। हम लोग संस्कार पक्ष बच्चों का मजबूत करते हैं, जिससे कि बड़े होकर समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कुछ योगदान दे सकें। दूसरा हमारा पार्ट होता है उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास। उसके लिए हम लोग विद्यालय में हिंदी माध्यम के से विद्यालय में बच्चों का शिक्षण करते हैं, और इंग्लिश विषय को भी बड़ी मजबूती के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास के लिए निश्चिंता होनी चाहिए, ऐसे ही मानसिक विकास के लिए भी हमको अंग्रेजी माध्यम का वजन नहीं डालना चाहिए, जिससे कि उनका विकास अवरुद्ध नहीं हो। और तीसरा है किताबी पुस्तकी ज्ञान। पुस्तकी ज्ञान में हम लोग, हमारे यहाँ बड़े ही अनुभवी आचार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, और किसी भी विद्यालय से के मुकाबले में हमारे यहाँ आचार्य, हमारे बच्चे किसी भी विषय में पारंगत और योग्य होते हैं।